नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत लंबे अरसे के बाद यूपी पुलिस में भर्तियां खोली हैं। करीब 60,000 पदों पर यह भर्तियां होनी है। यूपी पुलिस में बहुत पहले से इस बात की आवश्यकता जाहिर की जा रही थी कि खाली पदों को भरा जाए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के ये भर्तियां होना बेहद जरूरी था। लंबे इंतजार के बाद जब ये भर्तियां निकाली गई तो इस पर भी विवादों का साया मंडराने लगा। दरअसल बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बीते 5 सालों से भर्ती खुलने का इंतजार कर रहे थे। ये तय हुआ था कि हर साल यूपी पुलिस में खाली पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो लगातार यूपी पुलिस में शामिल होने के लिए, भर्ती होने के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन 2018 के बाद ये भर्तियां हो नहीं सकी। यानी इन 5 सालों में बहुत सारे युवा ऐसे थे जो ओवर एज हो गए, यानी जो जिनकी एज पहले जो एलिजिबल थे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, दरअसल वो अब इससे बाहर हो गए क्योंकि 5 साल तक वो भर्तियां निकली नहीं। ऐसे में युवाओं के मन में निराशा है। सरकार जो है वो 1 साल का उसमें छूट देने की बात कह रही है, और क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट चला गया तो शीतकालीन अवकाश के बाद शायद इस पर कोई फैसला आए। लेकिन इतना जरूर है कि जो बेरोजगार थे, जो युवा थे, उनके मन में एक उम्मीद थी कि शायद सरकार कोई बीच का रास्ता इसमें निकालेगी, क्योंकि उन लोगों का कोई दोष नहीं जो लगातार तैयारी कर रहे थे और अब वो ओवर एज हो गए। 18 से 22 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। महिलाओं के लिए ये सीमा 25 वर्ष तक है, यानी पुरुषों में 22 वर्ष तक के उम्र के अभ्यर्थी और महिलाओं में 25 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी इस प्रतियोगिता में, इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो बीते 5 सालों से तैयारी कर रहे थे और सिस्टम की लापरवाही की वजह से वो अब ओवर एज हो गए, यानी उनकी सारी तैयारियां बेकार साबित हुई, अब वो इस परीक्षा में, इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। तो आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा, और पहले से ही जब यूपी पुलिस में तमाम सारे पद खाली थे तो ये भर्तियां क्यों नहीं की गई, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम आपकी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अनु प्रसाद जी, डॉक्टर अनु प्रसाद जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा मनोज अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले आज चलते हैं हेमंत तिवारी जी के पास। हेमंत जी, लंबे समय से इन भर्ती का इंतजार किया जा रहा था, 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं की गई। अब जब भर्तियां निकाली गई है तो युवाओं का एक बड़ा तबका को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इन 5 सालों में जो भर्तियां नहीं निकली वो तैयारी करता रहा, सरकार ने भर्ती निकाली नहीं और अब वो ओवर एज हो गया, यानी अब वो उस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। तो ऐसे में कसूरवार कौन है? देखिए, कसूरवार कोई भी हो, लेकिन नुकसान तो उस युवा का है जिसकी बड़ी अपेक्षा थी, जिसकी बड़ी तैयारी थी, फिलहाल नुकसान उसका। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है मानस कि इस पूरे विषय में चाहे अदालत से या हो सकता है सरकार ही स्वविवेक से कोई फैसला ले ले कि इनको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है। देखिए, उनकी कोई गलती नहीं है और जो गलत नहीं है उसको दंड का प्रावधान न तो प्रकृति देती है न हमारी व्यवस्था देती है। आपका मकसद है कि युवाओं को रोजगार मिले और उत्तर प्रदेश पुलिस, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल है, उसकी शक्ति बढ़े, जनता को बेहतरी, बेहतर लाइन ऑर्डर मिले। तो अगर आपका मकसद बेहतर है तो बेहतर उसकी परिणति भी हो, ये भी कोशिश करनी चाहिए। तो मैं तो ये मेरे अपने मन की बात लग रही है कि इसको अगर सरकार ने स्वविवेक से कोई फैसला इसमें नहीं लिया तो मुझे लगता है कि अदालत इसमें दखल दे सकती है, मतलब कोई इस तरह का फैसला दे सकती है जो सरकार के लिए थोड़ा सा उसने जो भी सिस्टम बनाया उससे उलट होता। क्या है, देखिए एक बड़ी चीज क्या है इस पूरी प्रक्रिया में कि एक तो आपने 2018 के बाद कोई वैकेंसी निकाली, कोई वैकेंसी नहीं, जबकि आपने एक जगह इस बात का कमिट किया था अदालती प्रोसीडिंग्स के दौरान कि हम हर साल 30,000 कॉन्स्टेबल्स की भर्ती करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार। तो एक तो आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सके, दूसरी चीज बीच में कोरोना पड़ गया,
2 साल तो सब अस्त व्यस्त रहा, पूरा जनजीवन हमारा, आपका, उनका, सबका, पूरे भारतवर्ष का, प्रधानमंत्री से लेकर के बेरोजगार युवक तक, उससे प्रभावित रहा। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इसमें फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। ये जो एज बार है, इस एज बार को थोड़ा सा इसके अपर लिमिट बढ़ा दें, और यही उनकी जो जो लोग सड़क में आ रहे हैं, जो लोग निवेदन प्रत्यावेदन कर रहे हैं, उनकी मांग यही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, देखने वाली क्या है अभी कि भाई देखिए, जिसका आरक्षित वर्ग है तो उसको तो ऑलरेडी ज्यादा टाइम स्पेन मिल रहा है एज बार में, और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, कल कितने, करीब 24,000 है मुझे लगता है आसपास, जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 50,000 से अधिक जो भर्ती हुई है, तो इसमें तो बेचारे जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो तो बहुत, उनको बड़ी चोट लगेगी। अब लखनऊ में ही आप सोच लीजिए कि आसपास के दूर दराज के जिलों के लड़के आकर के साल दो साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, इस उम्मीद में कि चलिए कोरोना निकल गया, जब कोरोना निकल गया तो उसके अगले साल आप कर सकते थे, लास्ट ईयर भी आप भर्ती कर सकते थे, बाकायदा आपके पास एक पुलिस भर्ती और प्रोन्नत मोड बना हुआ है एक डीजी लेवल के अगुवाई में, और वहाँ अच्छे अधिकारी भी तैनात रहे हैं, राजकुमार विश्वकर्मा और रेणुका मिश्रा जैसे वहाँ अधिकारी हैं, जो स्वयं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ माने जाते हैं, निहायत ईमानदार माने जाते हैं। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा या तो पहले करा लिए होते, और अगर आपकी वजह से विलंब हुआ है, यानी सरकार की वजह से विलंब हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसको रेक्टिफाई सरकार को ही करना चाहिए। वैसे मेरा मानना है कि अगर सरकार नहीं करती है तो यह रेक्टिफिकेशन की बात कोर्ट से भी आ सकती है, क्योंकि यह बहुत ही मानवीय आधार पर विचार करने वाला विषय है। वो बेचारे लड़कों का क्या दोष है जो इतने दिन से तैयारी कर। अच्छा सोचिए जरा सा मानव जी, आप कि जो बालक 2000 में पैदा हुआ होगा, सन 2000 में पैदा हुए जो एलिजिबल लोग हैं, वो 2018 की भर्ती जब हुई, 2018 आखिरी भर्ती निकली थी, तो उसमें वो 17 साल के रहे होंगे, अपीयर नहीं कर सकते थे, और अब भर्ती जो 2023 कह रहे हैं लेकिन 24 की भर्ती है, अब उनकी उम्र क्या हो गई, अब वो बैठ नहीं सकता। तो पुलिस की भर्ती का कोई भी एकमात्र उनको अवसर मिला ही नहीं उनके पूरे जीवन में, और इस भर्ती के लिए जो एलिजिबल एज है वो पार कर गई, तो उन बेचारे क्या दोष है। मुझे लगता है कि आज मैं कहीं देख रहा था कि डिप्टी सीएम से पूछा कुछ लोगों ने कि इसका क्या किया जाए, तो उनका हमको, हम जरा गृह विभाग से बात करते तब बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा मानवीय आधार पर और व्यवहारिक आधार पर सरकार को सोचने का अवस्था है, और इसमें कोई नुकसान मैं नहीं देखता हूँ सरकार या किसी का। आपका जो मकसद है वो मकसद पूरा होगा, और जिनको लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है, उनको उनका हक भी मिलने की बात आप सही कर देंगे। तो ये पॉजिटिवली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसके रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। फराज की भाई साहब, 2017 में सरकार की तरफ से ही ये एफिडेविट दिया गया था कि वो हर साल 30,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे, लेकिन आपने देखा कि 2018 के बाद भर्तियां निकाली नहीं गई, और अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं जो पहले अंडर एज थे, अब वो ओवर एज हो गए, तो उनकी तो कोई गलती है नहीं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके, लगातार तैयारी करते रहे? और क्या समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी? देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी सदन में ये बोला था कि जब ये पुलिस भर्ती निकालने का हुआ था कि वहां पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी एज बढ़ाई जाए। तो समाजवादी पार्टी तो देखिए आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के टाइम से ही नौजवानों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। देखिए मानस जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि 22 23 करोड़ के राज्य में अगर 60,000 भर्तियां निकाली गई हैं तो चलिए वो भी स्वागत योग्य है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं बोलेंगे, ऊंट के मुंह में क्या बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आता, एक नमक की डॉट बोलेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, विल पावर की है।
भारतीय जनता पार्टी की, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं विपक्ष में हूं तो मुझे जो है वो बाल की खाल निकालनी ही है, अगर आप इसको एक बहुत बड़ी पिक्चर में मानस जी अगर आप समझिएगा, हेमंत तिवारी जी बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि वो भी ये बात समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या कहाँ पे है। 60,000 सिपाही पुलिस कांस्टेबल्स की मान लिए भर्ती निकाली गई, अभी वो हाईकोर्ट में चला गया, मुझे तो लगता है जानबूझ करके इन्होंने किया था ताकि मामला हाईकोर्ट में चला जाए। लेकिन क्या है कि ओवरऑल प्रॉब्लम जो है मानस जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे वो देश की बात हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। अब वो कैसे है मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे समय दीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता नहीं है, वरना वो सबसे पहले बोलते कि साहब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, फिर वो बोलते कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया का जो एवरेज है उससे उत्तर प्रदेश में कम है। लेकिन मानस जी ये भ्रमित करने वाली चीजें हैं, खाली मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उत्तर प्रदेश का जो कोविड से पहले था उससे लगातार गिर रहा है, और खासकर युवाओं में। मैं आपके दर्शकों के लिए ये बात समझा दूं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। मानस जी जो हमारे युवा हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 10 बच्चे 15 साल के ऊपर के उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू किया और 10 बच्चों में से मान लीजिए 4 बच्चों के पास नौकरी नहीं है, तो हम बोलेंगे, सरकार बोलेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4% है। लेकिन मानस जी तब जब 10 बच्चों में से 4 बच्चे ये नौकरी ढूंढना ही बंद कर देंगे, वो अपने आप को जो लेबर फोर्स है उससे बाहर कर देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप गिर जाएगा। ये आंकड़ों की खाली जादूगरी है, ये लफाजी है, ये लफ्जों की हेरा फेरी है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब आपके दर्शकों के लिए मानस जी मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं। देखिए CMIE का जो डेटा है उसके हिसाब से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था नौजवानों का 20 से 24 साल की उम्र का, मोटा मोटा 20 से 25 साल का आप समझ लीजिए, कोविड से पहले जो था वो 41.2% था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि हम मानते हैं कि मई और अगस्त में 2020 में वो कम होकर के 31.3% हो गया, कोविड आ गया, जस्टिफाइड है ये। लेकिन 2021 में और कम होकर 27% हो गया, 2022 मई और अगस्त में 22.5% हो गया, और फिर 2022 में 22.4% हो गया और गिर गया। CMIE ही बोलता है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो यूथ का वो सितंबर टू दिसंबर 2019 में 27% था, जो 2022 में घटके 17% हो गया है। अब मानस जी मैं आपको इस और बड़ा खेल है इसमें, आपको तो सब पता ही होगा कि एक आदमी उसके पास रोजगार है वो सरकार कैसे बताती है। पिछले 7 दिन में अगर किसी एक व्यक्ति के पास 1 घंटे भी उसने काम किया है तो सरकार कहती है कि वो एम्प्लॉयड है। यानी कि हमारे आपके घर में अगर किसी एक नौजवान से हमारे घर की महिलाओं ने कहा कि बेटा जरा ये पंखे साफ कर दो 4 और पर पंखा में तुम्हें 50 रुपए दूंगा, उस बच्चे ने अगर उस लड़के ने 1 घंटे से ऊपर काम कर लिया और उसको 200 रुपए मिल गए मानस जी, और अगले 7 दिन तक उसको अगर कोई काम नहीं मिला तो हम कहेंगे वो एम्प्लॉयड है। मतलब 7 दिन में 200 रुपए, अगर 200 रुपए के अगर 50 रुपए भी उसको मिलते हैं मानस जी, तो 50 रुपए भी अगर मिल रहे हैं तो हम मानेंगे कि वो एम्प्लॉयड है। ये कहां का जस्टिफिकेशन है, ये कहां का न्याय है, ये कौन से सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये कौन से सामाजिक परिवर्तन की मानस जी लड़ाई है कि आप खाली देश में और प्रदेश में डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके आप भाइयों को भाई से लड़ाते रहेंगे, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना, भोली भाली जनता को गुमराह करते रहेंगे और आप खाली वोट लेते रहेंगे मानस जी। और जो मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूं ये सब भारत सरकार की डेफिनेशन है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो भारत सरकार का ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें है। अब इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को तो मुझे लगता है कि जॉर्ज सोरोस की ये जो साजिश है नहीं बोल सकते हैं, ये तो भारत सरकार की किताब है मानस जी। अच्छा अब क्या है कि लोक नीति और CSDS एक बहुत बड़ी संस्था है, आपको भी पता है मुझको भी पता है। अब जरा बात कर ली जाए देश की मानस जी, पूरे देश में एज पर लोक नीति और CSDS 36% देश का यूथ आज कहता है कि देश में जो बेरोजगारी है वो एक भयंकर समस्या ले चुकी है। मानस जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह करके मैं अपनी बात, आप चाहिएगा तो मेरी बात खत्म कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, मैं मानता हूं भारत यंग कंट्री है, और हमारी जो एवरेज एज है वो 28.4 साल है। मानस जी हमारे पास खाली 25 साल है ग्रो करने के लिए, क्योंकि 2047 के बाद हमारी जो जनरेशन है वो बूढ़ी होने लगेगी, और हमारा जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है जिसको हम बोलते हैं कि हम नौजवान देश हैं,
क्योंकि अब फर्टिलिटी रेट तो उतना रहा नहीं मानस जी, तो 2047 के बाद हमारी जो एवरेज एज है वो कम होने लगेगी। तो हमारे पास मात्र 25 साल का टाइम है, 25 साल के टाइम में अगर हमको विकास करना हो तो हम विकास कर लें, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके भाई को भाई से लड़ाना हो तो भाई को भाई से लड़ाई कर, जो सरकार की मंशा हो वो कर ले, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2047 का टाइम तक का टाइम है। दूसरी बात मानस जी, एक 20 सेकंड का और टाइम दे दीजिएगा, मैं अपनी बात कहकर के बात खत्म कर दूंगा कि जो भारत में 15 से 29 साल के बीच के युवा हैं वो 2017 में उनकी आबादी जो थी वो 35 करोड़ 39 लाख थी मानस जी, और ये बढ़ करके आज की तारीख में 38 करोड़ हो गई है। यानी कि युवा हमारे देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इन्हीं युवाओं में से 31% लोगों की नौकरी चली गई है। यानी कि जो हमारी करीब करीब आप मान के चलिए कि 3.5 करोड़ के 3.25 करोड़ के हिसाब से जो युवाओं की जनसंख्या बढ़ी पिछले 6-7 साल में, उससे ज्यादा लोगों की तो नौकरी चली गई मानस जी। लेकिन हम किस चीज में खुश हैं? हम खुश इसमें हैं कि भैया किसी तरह से मानस जी और फराज की लड़ाई करा दो ताकि हम ध्रुवीकरण करा करके वोट ले लेंगे। तो मानस जी देश जो है वो अब रघुराम राजन जी का आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, उनको भी ये जॉर्ज सोरोस का रिश्तेदार बताने लगेंगे कि रघुराम राजन जी ने अभी रिसेंटली क्या कहा है। उन्होंने तो यही कहा है ना कि अगर देश 6% के ऊपर ईयर ऑन ईयर नहीं ग्रो किया तो 2047 में जो विश्व गुरु बनने की तमन्ना रखते हैं वो भूल जाए। अब विश्व गुरु से भी याद आ गया, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी मानस जी, कुछ मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं कि आप अब ये बोलते हैं कि साहब हम विश्व गुरु बन रहे हैं और नापते किससे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से। मानस जी वो हमारा बेस इफेक्ट है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी डिटेल एनालिसिस आप अपनी रिसर्च टीम से करवाइएगा मानस जी, तो 0.4% देश के 0.4 या 0.5% के आसपास ही उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। हमारे आपके हेमंत तिवारी और हमारी बहन अन्नू प्रसाद और हमारे भाई मनीष अग्रवाल जैसे गरीब लोग, आम आदमी, इसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं मानस जी। ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, ये या तो संस्थाएं बोल रही हैं गवर्नमेंट की और या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही हैं। हम तो मानस जी एक आम नागरिक हैं जो मानस जी के न्यूज 24 चैनल ने बता दिया, वो मैंने कहीं नोट कर लिया, कुछ अखबारों में पढ़ लिया, कुछ किताबों में पढ़ लिया और भारत सरकार की दी हुई किताबों से पढ़ लिया। तो मानस जी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे इनका छोटा इंजन हो चाहे बड़ा इंजन हो मानस जी। जी चलिए मनीष अग्रवाल जी के पास चलते हैं। मनीष अग्रवाल जी, जो आंकड़े हैं दरअसल वो हकीकत बयान करते हैं, आंकड़ों को छुटलाया नहीं जा सकता। आपको नहीं लगता कि सरकारें जो है वो इस तरीके से अन्याय अत्याचार कर रही है युवाओं के साथ? बातें बड़ी बड़ी होती है, युवाओं का वोट सबको चाहिए, लेकिन रोजगार देने की बात होती तो तमाम तरह की पैतरेबाजी शुरू हो जाती है। मनीष जी अपनी डिवाइस को अनम्यूट कर दीजिए आप। मानस जी जैसे अभी हेमंत भाई साहब बोल रहे थे कि सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, और इसमें तो मुझे लगता है कि एज का रिलैक्सेशन में कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी, जैसे कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन। बाकी जैसे देखिए और राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं भारत में कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। एम्प्लॉयमेंट की और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, देश में प्रोग्रेस हो रही है, इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं और एम्प्लॉयमेंट के वैकल्पिक माध्यम जनरेट हो रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट्स के हवाले से बोलेंगे तो रिपोर्ट्स दोनों पार्टीज की तरफ एप्लीकेबल होती है, पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए भी। रघुराम राजन जी के सर्वे आते हैं, करंट में जो आरबीआई गवर्नर है उनके सर्वे आते हैं, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव में दुनिया में और देश में देखे जा सकते हैं। सरकारी नौकरियां हाँ एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन लोगों के पास आज रोजगार के और भी माध्यम जनरेट हो रहे हैं, जैसे सरकारें कोशिश कर रही हैं, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। आज भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर सबमिट नहीं होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करा जाता और उसके थ्रू भी रोजगार के साधन जनरेट करने की कोशिश करी जाती है। परोक्ष अपरोक्ष हर तरीके के रोजगार के साधन जनरेट होते हैं। अब जैसे लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी एकमात्र माध्यम है, तो मुझे लगता है अभी सोच को बदलना पड़ेगा और हमें प्राइवेट अफसरों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर हैं रोजगार के। आज आप देखिए जैसे यूपी में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है, पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, आज ये भी एक रोजगार के माध्यम है जो लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के अपनाएंगे और अपना रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। जितना सौर ऊर्जा में काम हो रहा है और क्षेत्रों में काम हो रहा है वो आपको कुछ दिन में रिफ्लेक्ट होता दिखेगा नौकरियों में, व्यवसाय।
चलिए डॉक्टर अनु प्रसाद के पास चलते हैं। अनु प्रसाद जी, यूपी जोड़ो यात्रा निकाल ली आप लोग, तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी संख्या में यूथ से भी आप लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जिस शिद्दत से उठाया जाना चाहिए था वैसा उठाया। पुलिस भर्तियों का मामला आप देख रहे कि लगातार युवा जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। आज आज मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकदल भी इस मुद्दे को उठा करके आज सड़कों पर निकलने का उसने प्रयास कर रहा है। सबसे पहले मानस जी, देश की जनता को मेरा नमस्कार। और मानस जी, क्योंकि यूपी जोड़ो यात्रा में लगातार सभी लोग, जितने भी यूपी के वरिष्ठ लोग हैं, ज्यादातर उस यात्रा से जुड़े हैं, मगर फिर भी सभी लोग, जिनने प्रवक्ताओं को जो जो ड्यूटी दी गई है, हम सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ बैठ के कर रहे हो या अपनी अपनी जगहों पे कर रहे हो। और उसी के माध्यम से आज मैं यहाँ आपसे जुड़ी हूँ कि अपनी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पे अपनी बात, अपना पक्ष रखूं, कांग्रेस का पक्ष रखूं। तो मानस जी, पहली बात तो मैं सर जितने भी अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे भाई सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे थे, मैं सभी लोग की बातों से अपनी बात को करूंगी कि सबसे पहली बात, जो हमारी सरकार जब अपनी अपनी विफलताओं को जब उनको गिनाना हो, अपनी विफलताओं पर अगर उनको बात करनी होती है, तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि कोरोना की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, और कोरोना आ गया इस वजह से ये हमारे ये चाहे भर्तियां नहीं निकल पाई या हम अपने इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाए। जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो कोरोना का हवाला देने लगते हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे 2017 में जब उन्होंने कहा कि हम हर साल 30,000 भर्तियां निकालेंगे पुलिस विभाग में, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 7 साल, अगर 2017 से लेके अगर मैं 23 तक जोड़ू, तो ये आपका 7 साल तक का ये सफर होने जा रहा है। 7 साल के हिसाब से अगर हम 30,000 को गुणा करें मानस जी, तो शायद 2,10,000 की भर्तियां, इसको अगर गुणा करके किया जाए तो 2,10,000 की भर्ती अगर हो जाती, अगर ये अपने वादे के अनुसार 30,000 की भर्ती अगर ये करते तो। मगर क्योंकि ये नहीं हो पाया और इन्होंने 7 साल बाद भर्ती निकाली भी, कितनी, 60,000। तो अब ये इसी में आप फर्क देख लीजिए, कहां इन्होंने वादा किया था हर साल 30,000, मगर ये 7 साल बाद, ये 5 साल बाद भी इनकी भर्ती जो आ रही है ये सिर्फ 60,000 की आ रही है। उसमें भी इन्होंने क्या किया कि ऐसी एज बाउंड कर दी कि वो सभी विद्यार्थी जिनको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, वो इस रेस से ही बाहर हो गए। अब अगर दो साल आप ये अपने विफलताओं को अगर आप दो कोरोना काल में ढक रहे हैं, तो इन जो ये विद्यार्थी 2 साल इस कोरोना की वजह से ये पीछे हो गए, ये कहीं नौकरी नहीं पा पाए, अब इनके लिए आपका क्या रास्ता है? इनकी जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है, सरकार की बनती है, आखिर इनके लिए अब सरकार क्या रास्ता निकालेगी? आपने, आपको ऐसा क्या मुश्किल आन पड़ रहा है कि आप इनको 1 साल या 2 साल का रिलैक्सेशन आप नहीं दे सकते? इनकी मांग ही क्या है कि हमको रिलैक्सेशन दी जाए। और ये बहुत मुश्किल काम तो मुझे नहीं लगता मानस जी, क्योंकि जब हम सभी लोग कहते हैं कि 2 साल में हमारा बिजनेस टूट गया कोरोना की वजह से, 2 साल में हम इतनी हमारा व्यवसाय टूट गया कोरोना की वजह से, 2 साल में हमारे हम इतने कर्ज में लद गए कोरोना की वजह से, तो ये भी तो मासूम युवा है जो कोरोना की वजह से इतना पीछे हो गया, और आप अब भर्ती लाए हैं तो इनको आपने एकदम मायूस कर दिया, निराश कर दिया इनको और इनके परिवार को। अब मैं बात आती हूँ, जैसे कि एमपी पुलिस की अगर मैं बात करूं, राजस्थान पुलिस की मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस भर्ती की मैं बात करूं, सीआईएसएफ पुलिस की भर्ती की बात करूं, तो यहां पर भी मानस जी 3 वर्ष का आयु का इनको छूट दी जाती है। इन सभी जगहों पे 3 वर्ष की आयु की छूट दी जाती है, मगर यूपी पुलिस में ऐसा अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला कि इनको छूट दी जाए। तो मेरा यही कहना है मानस जी कि इनको इस तरीके की छूट अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि अभी बात हो रही थी, अब ये बात हो रही थी कोरोना की, अगर मैं बात फिर से करूं मानस जी, तो धड़ल्ले से जब आप कोरोना के समय स्कूल की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ऑनलाइन क्लास पे फीसेस तो उसी हिसाब से पेरेंट्स से ली गई, जिस हिसाब से मैं बात करूं ऑनलाइन क्लास के नाम पे तो फीस तो उसी हिसाब से आपने पेरेंट्स से लिया, यूनिवर्सिटी में आपने फीस उसी हिसाब से लिया, मगर जब आपको जनता को वापस करने का समय आ रहा है, तो आप जनता के और युवाओं के सामने इतने
बाउंडेशन आप लगा दे रहे हैं कि अब युवा पहले तो कोरोना की मार झेले, उसके बाद सरकार के इन पुलिस भर्तियों के भर्तियों के इस तरीके की बाउंडेशन की मार झेले। दूसरी बात, अभी आप 59,000 शिक्षकों की भर्ती की मैं बात करूं मानस जी, आपके आपके ही टीवी के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहूंगी कि जो ये 59,000 जो शिक्षक भर्ती के जो युवा थे, जो दो साल तक वो लोग आंदोलन कर रहे थे बैठ के, कल से मैं बताऊं मानस जी वो लोग चले गए अनशन पर। क्यों? क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। उसमें से 6,800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित वर्ग के आते हैं, जिनकी चयन लिस्ट निकल गई है, मगर उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई और उस नियुक्ति पत्र के लिए वो 2 साल से आंदोलन कर रहे थे, मगर हार के, क्योंकि योगी जी के पास समय नहीं है कि उनकी बात सुन सके। और उन युवाओं का ये आरोप है कि जितने भी बेसिक शिक्षक अधिकारी हैं, उन लोग की गुंडागर्दी की वजह से आज की डेट में भी हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई, जिसके चलते वो कल से अब अनशन पे चले गए हैं। तो ये सभी चीज जो एक रूप दिखाती है कि कितनी विफल है बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी देने पे। जो ये 2014 में बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे कि नहीं, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। सबसे पहले तो आप विश्व गुरु की बात करना, तो पहले आप ये सोचिए कि आप जब अपने ही भारत के युवा को, जब बीजेपी अपने ही भारत के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है और उन्हीं युवाओं को अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में नौकरी पाने के लिए सड़कों पे निकल के आंदोलनरत होना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं मनीष अग्रवाल जी के एक बात में कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक जरिया नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी है। चलिए, आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं रुख करूं, मानस जी, किसी से छुपा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में धड़ल्ले से धांधली हो रही है। जितने भी वहां पे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके अंडर में वो चीजें जा रही हैं, वो कितने धांधली तरीके से अपने लोगों को वहां पे रख रहे हैं, और चाहे किसी को सैलरी देने की बात हो, किसी से समय का काम करने की बात हो, तो संविधान की तो धज्जियां उड़ चुकी है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की स्कूल की फीस की बात करूं, तो आपको पता है कि एक 6 महीने की फीस है इन लोग की 15,000-20,000, इस तरह के स्कूल की फीस है। आप मुझे ये बताइए कि अगर 3 महीने में आप 6 महीने में किसी पेरेंट्स से 25,000-30,000 आप फीस जमा करें, तो वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये तो प्राइवेट सेक्टर की प्रॉब्लम है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की जॉब की मैं बात करूं, तो वहां पे कहीं पर भी आपका आरक्षण लागू नहीं होता है, तो वो जो आरक्षण की, जो जिनको आरक्षण मिलता है, तब उनके लिए आरक्षण की श्रेणी पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो आप कहीं पर भी आरक्षण के लिए आप मांग कर ही नहीं सकते। अलग विषय है, आउटसोर्सिंग एक अलग विषय है, लेकिन चलिए हेमंत तिवारी जी के पास फिर से। नहीं, बिल्कुल मनीष जी, मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि अगर यही बार बार कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी रुख करे, तो इसीलिए कई लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुख नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर का बच्चा, हमारे घर की बच्ची हमेशा सरकारी नौकरियों में जाए, और हम दिन रात यही मेहनत करते हैं कि हमारा घर का बच्चा पढ़ ले, उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। कोई माँ बाप ये सपना नहीं देखता कि हमारे घर का बच्चा पढ़े और जाके किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करे। जी चलिए, हेमंत तिवारी जी के पास फिर से चलते हैं। हेमंत तिवारी जी, ये पुलिस भर्तियों के मामले को लेकर के विवाद शुरू हो गया है, युवा भर्ती काफी नाराज हैं, लेकिन खाली पुलिस भर्ती की ही क्यों बात करें? आप देख रहे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी वो लगातार कभी स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ पहुंच गए थे, कुछ दिन पहले केशव जी के यहाँ थे, उससे पहले ब्रजेश पाठक के, फिर ओम प्रकाश राजभर, कभी बीजेपी कभी सपा, उनकी भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आपने देखा कि डायल 112 की तमाम महिलाएं थी वो धरने में बैठी थी अपने मानदेय बढ़वाने के लिए। सवाल ये है कि बीजेपी को युवाओं का वोट तो चाहिए, वो युवा की बात तो करती है, लेकिन जिस तरीके से जो युवा अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग, आपको लगता है कि पॉलिटिकली इनको कोई आगे इसका कोई नुकसान हो सकता है 2024 में? देखिए मानस जी, जो हम लोगों का तजुर्बा है और रिसेंट पास्ट में जो देखा गया है, नुकसान इन बातों पे होते नहीं।
ये चेट्टी जी, जब जब कितना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, इतने सैकड़ों लोग शहीद हो गए, दिवंगत हो गए, इतना बड़ा इशू बना, तब तो कुछ नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? बीजेपी की सेहत कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार उनकी बनी, बम्पर रोड से बनी, बम्पर सीट से बनी, ये सब बहुत मैटर नहीं करता। और इन विषयों में भी, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन विषयों में भी कुछ तकनीकी पेच होते हैं। पुलिस वाले, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा, यह सरकार को व्यवहारिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, बिना सोचे समझे अर्हता की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा लाभ सामान्य, क्योंकि सबसे बड़े इसके शिकार सामान्य वर्ग लोग होंगे, तो सबसे बड़ा लाभ उनको मिला। ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है किसी से। और दूसरी चीज, अभी यन्नु जी ने कहा और लोगों ने कहा, और सही है कि कई फोर्सेज में, कई स्टेट्स की पुलिस में इस तरह की छूट दी गई है। आज अखिलेश यादव ने भी एक बढ़िया, उन्होंने ट्वीट किया है कि 3-4 साल की उम्र में वो देना चाहिए। अच्छा कहा है कि इनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल इन लोग चले गए हैं और 5 साल भर्तियां नहीं हुई हैं। जेन्युइन पॉइंट है और इस तरह की बात उठ रही है। पर आप एक बात जानिएगा, हाँ, ये युवाओं का समर्थन है, ये युवाओं का नेता है। दुर्भाग्य इस देश का क्या है सबसे बड़ा, जरा सोचिए, एक मिनट सोचिए, दुर्भाग्य क्या है? हम जिस युवा को बहुत बुलंद सोच वाला और जिसको क्रांतिकारी, युग परिवर्तनकारी समझते हैं, वो युवा रिएक्ट कहाँ करता है? चाहे मायावती सरकार, चाहे अखिलेश यादव सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव सरकार में पुलिस भर्तियों में धांधली, कितना बड़ा आरोप लगा, कितने हजार लाख लोग, कितने लाख लोग उतर आए सड़क पे, नहीं उतरे साहब, नहीं उतरे। यहाँ भी कितने लोग आ गए, आज आपकी टीम गई होगी, आप विजुअल से मंगवा लीजिए, जबकि होना चाहिए। यही तो आप हम युवा से अपेक्षा करते हैं, यही तो युवा से अपेक्षा करते हैं। तो मेरा कहने का से है कि जैसे शिक्षक भर्तियों से लेकर के और तमाम भर्तियों में इसमें कुछ न कुछ तो दिक्कत रही है, और तकनीकी दृष्टि से और विधिक दृष्टि से और कुछ जगह सबजूडिस होने के नाते। लेकिन सरकार किस लिए होती है भाई? सरकार तो इसीलिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है सरकार, लोक कल्याणकारी होती है। तो उससे सामान्य अपेक्षाएं होती है कि वो इस तरह की समस्याएं जिससे लाखों हजारों लोग, अगर मान लीजिए 10,000 लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कम से कम मानिए 10,000 परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं, और भी बहुत से लोग जो सामने नहीं है लेकिन प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका एक सम्यक समाधान उनको निकालना चाहिए, जैसे भी हो। और अगर एकदम अनुचित है, हम लोग सतही दृष्टि देख रहे हैं, तो भाई सरकार की अपनी दृष्टि होती है, उनको लगता होगा कि तकनीकी दृष्टि से गलत है, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। चीजें है जिसके तहत हम आप नहीं जा रहे, हम आप एकदम सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं। निकलना यार, जहां तक पुलिस वाली बात, व्हाट्सएप चेक कर लो। अरे पुलिस वाली जो बात है, पुलिस की जो बात है, इसमें तो मेरा बहुत सामान्य दृष्टि मानना है, सरकार को खुद ही कुछ नहीं करना है, इसका रेक्टिफिकेशन खुद कर देना चाहिए। भाई देखिए, इस चीज का ध्यान नहीं दिया गया, 2 साल खराब हो गए, 5 साल भर्ती नहीं हुई। हालांकि भर्ती क्यों नहीं हुई, ये कांग्रेस सपा या बसपा या अपोजिशन की दृष्टि से अलग इसके कारण हो सकते हैं। अब भर्ती नहीं हुई तो जिम्मेदारी पर सरकार से ही सवाल किया जाए कि सरकार उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई दिक्कत तो रही होगी, कौन अवसर, कौन है, कौन सरकार है जिसके पास भर्तियां हैं और अवसर होना चाहेगा लाभ लेने का? और अभी तो एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने ट्वीट किया है कि ये तो जो भर्तियां हो रही हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए जो भर्तियां खोली गई हैं, इनमें इस तरह से फर्क है, इस तरह की तकनीकी दृष्टि की कमी है। तो मेरा एक और मानना है कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति बहुत व्यापक विषय है, राजनीति जमीन पे करिए, जमीन से जुड़े इश्यूज पर वाकई आना चाहिए, लेकिन उसके हर पक्ष देखे जाने चाहिए। अब जहां तक यही बता रहा हूँ, मानस जी देखिए कितना अच्छा अवसर था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी आते और अभी खड़े हो जाते, या उनको ये अन्नू जी खबर करें इस तरह के आए, पब्लिक से जुड़ाव इस तरीके से होता है। देखिए कांग्रेस
पार्टी से किसी का कोई ट्वीट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बयान नहीं, और समाजवादी पार्टी के सबसे पहले सबसे सवेरे सवेरे उनका ट्वीट आ गया, अखिलेश यादव उनका या मैसेज आ गया या उनकी लोक शक्ति हो गया। ये भी चीज होती है, जमीन जाइए पॉलिटिक्स करिए, और ये सही इशू है, इसको तो कोई नाजायज ठहरा नहीं सकता। तो यही प्रश्न है। बाकी आपने अन्नू जी ने रोजगार बेरोजगार का सवाल उठाया, अरे चलिए धन है कुछ मिल रहा था, इस देश ने बहुत बुरा होता है, पीढ़ियां नस्लें चली गई खाली खाली, बिना चार आने की कमाई का कोई उद्यम मिले हुए। आप ठीक किया अग्रवाल जी ने कि अन्य सेक्टर से जो कुछ मिल रहा है नियोजन और रोजगार, ये भी गनीमत है, इसको भी जोड़ा जाना चाहिए। पर फाइनली एक बात कहूंगा मानस जी कि पुलिस वाले विषय पर मेरा जाति तौर पर अपने तजुर्बे के हिसाब से, और मैं तकनीकी दृष्टि से भी कह रहा हूं, और जो उदाहरण है अन्य स्थानों के, अन्य राज्यों के, अन्य बलों के, पुलिस बलों के, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी शर्त के विचार करके, मतलब पुनर्विचार करके इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। जी चलिए मनीष अग्रवाल जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष अग्रवाल जी, हम देख रहे हैं कि सरकार आंकड़े कुछ पेश करती है, जो संस्थाएं उनके आंकड़े कुछ कहते हैं, इन आंकड़ों की बाजीगरी में उलझा हुआ है देश का, उत्तर प्रदेश का युवा। लेकिन जब आप अपने आसपास चीजों को देखते हैं तो आपको हकीकत समझ में आ जाती है। ये बात सही है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की जिसके जरिए लोगों को स्वरोजगार को मिला, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस बात को अनुप्रसाद अभी कह रही थी कि आउटसोर्सिंग एक बड़ी समस्या हो गई है सरकारी डिपार्टमेंट्स में। आप देखिए सीधी भर्तियां निकलती नहीं, कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है, वहां पर किस तरीके से खेल होता है ये सब जानते हैं। तो आपको लगता है नहीं कि रोजगार जैसे सवाल से सरकारें धीरे धीरे विमुख होती जा रही है, उनकी रुचि खत्म होती जा रही है, जो उनकी लाइबिलिटी थी दरअसल उसको सरकारें अपनी लाइबिलिटी या अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती है। मानस जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी आदरणीय हेमंत जी कह रहे थे कुछ मुद्दे जो है राजनीति से अलग होने चाहिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि पक्ष विपक्ष दोनों ये कह रहा है हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ना हो पा रहा हो, लेकिन ये लड़ाई न्यायालय जाएगी, 6 महीने और लेगी, एज लिमिट और बढ़ानी पड़ेगी, लोग बदलते जाएंगे, तो हमें सारे आयाम ढूंढने। महिला प्रवक्ता ये कह रही थी कि प्राइवेट नौकरियों में शोषण होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, सौर ऊर्जा में 30,000 सौर ऊर्जा मित्रों की भर्ती करी जा रही है, ऐसे आयाम युवाओं को तलाशने होंगे और अपने रोजगारों को और जगह ढूंढना होगा। एक रोजगार सरकार निकालती है, 60,000 भर्तियां हैं, अब उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक बात जाएगी, फिर उसमें निर्णय आएगा, फिर चुनाव की आचार संहिता होगी, उसके बाद फिर उसका एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो क्या हम लोग के पास, मैं भी एक युवा हूँ, कितना समय है इन चीजों के लिए वेट करने का, हमारा जीवन तो आगे निकलता जा रहा है, तो हमें आज जो अवसर मौजूद है उसमें से छाटना पड़ेगा और इन पक्ष विपक्ष की सरकार की लड़ाइयों से अलग अपने अवसरों को ढूंढना पड़ेगा। अगर आज हम सिर्फ यह सोचेंगे कि सरकारी नौकरी की भर्ती मिलेगी तभी हम नौकरी करेंगे, तो ये भर्तियां ऐसे ही चलती रहती हैं और प्रदेशों में भी निकलती हैं, ऐसी लीगल बाउंडेशंस कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी, क्योंकि अभी अगले साल चुनाव ड्यू है, जब इस पर रिजल्ट आएगा तो फिर पता नहीं है चुनाव से पहले होगा बाद में होगा, तो हमें और माध्यमों को तलाशते रहना चाहिए और जो बाजार में आयाम अवेलेबल है उसमें अपने के लिए अच्छे से अच्छा ढूंढना चाहिए, क्योंकि वरना हम अपना समय खोते जा रहे हैं और निरंतर हम कहीं कुछ पा नहीं पा रहे। जी जी अनुप्रसाद जी कुछ कह रही थी, फराज भाई आपके पास लास्ट कमेंट, आपके पास मैं आऊंगा, अनुप्रसाद जी से एक रिएक्शन ले लेंगे। जी क्या कह रही है? जी देखिए मानस जी, ये जो बातें होती हैं कि कुछ चीजों को पॉलिटिकल चीजों से परे होकर देखना चाहिए, मेरा ये मानना है कि जब हमको वोट लेना होता है, जब हमको अपनी सरकार बनानी होती है, मतलब जब मैं बीजेपी को कोट कर रही हूँ बेसिकली, जब बीजेपी को वोट करना रहता है, वोट लेना होता, सरकार बनानी होती है, तो तब तो ये इसी नौकरियों को अपना वादा मानते हैं कि भाई मैं वादा कर रहा हूँ कि मुझे वोट दो, मुझे मेरी सरकार बनाओ और तब हम तुमको नौकरी देंगे। मगर जब नौकरी की बात आती है, जब युवा सड़कों पे उतर रहता है, तब यही बातें होती है कि भाई इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मानस जी, जब सारी चीजों का एक आधार ही राजनीति है, क्योंकि राजनीति के बिना, अभी जैसे बात हुआ, तो उसके बिना तो कभी कोई बिल पास नहीं हो सकता, कोई नया कानून नहीं बन सकता, बिना संसद में बहस किए हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ये बातें राजनीति से अलग कैसे हो जाएंगी?
दूसरी बात, आप जैसे इस तरह की सारी बातें हो रही है तो जाहिर सी बात है आउटसोर्सिंग आज की तारीख में ये तो सभी को पता है कि सरकारी नौकरियां तो सिर्फ कहने के लिए है, सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, सिर्फ 2% सरकारी नौकरी आज की तारीख में रह गई है, सब अपना ही किसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी काट रहे हैं, जी रहे हैं, अपने घर के अपने बच्चे अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। और जो मोदी जी कहते हैं कि सब लोग खुद खाइए कमाइए खाइए, मतलब उनका एक शब्द है, अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है, उनका बहुत फेमस शब्द वो बोलते हैं कि आप लोग को खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उनको ये अभी कहने की आवश्यकता नहीं है, युवा समझ गया है, महिलाएं भी समझ गई कि हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब हम इस पे कोई डिबेट करते हैं, तब भी ये लोग कहते हैं, तब भी बीजेपी के प्रवक्ता लोग कहते हैं कि भाई महिला सुरक्षा की बात है, इसको आप इस पे आप लोग राजनीति मत करिए। और अब नौकरी की बात है, युवा सड़क पे आ गया, अब हम उन युवाओं का पक्ष रख रहे हैं, तब भी हम लोग को सुनने में आता है भाई आप लोग इस पे राजनीति मत करिए। राजनीति क्या तो सारा मुद्दा है, जब आपने इन्हीं सारे वादों को कह के आप अपनी सरकार बीजेपी ने बना ली, अब जब हम ये पक्ष रख रहे हैं तो ये बात आती है कि हम लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये कहीं से अनछुआ नहीं, ये सारे मुद्दे माना जी राजनीति से अनछुए नहीं, और ये सब राजनीति का ही एक आधार है जिसके वजह से आज बीजेपी सत्ता में बैठी है। और आज जब उनको हक अधिकार देने की बारी आ गई, युवा अपना हक अधिकार मांग रहा है, तो ये बीजेपी अपने अपने वादों से पीछे भाग रही है। फराज की दुबई जी आप जवाब दीजिए। जी माँ जी, मैं दो जवाब दूंगा। एक तो सबसे पहले कि मनीष जी की बात का मैं जवाब दूंगा, एंड ही वाज राइट कि नौकरी खाली सरकारी नहीं होती है। मैं जो बात कर रहा था नौकरियों की बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं रोजगार की बात कर रहा था। अब रोजगार में वो भी आ जाता है जो पकौड़े तल के एक ठेले पे 100 रुपए आदमी कमा रहा है और एक जो 5-स्टार होटल चला रहा है। अब देखिए मानस जी, मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि हम अगर किसी मुद्दे पर चर्चा करें तो आपका इतना प्रेस्टीजियस चैनल है और आपके करोड़ों दर्शक देखते हैं, तो वो दर्शक कुछ ले करके जाएं। और मेरा एक बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अगर हम कोई भी बात करें तो उसका कहीं ना कहीं बैकअप होना चाहिए। हमने अब तमाम आंकड़े अपने फर्स्ट राउंड में मानस जी आपको गिनाए, अब आ जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो हम लोग बोल रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू कॉर्पोरेट सेक्टर। माना जी, एक टेलीकॉम एक बहुत बड़ा, दूरसंचार एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री थी भारत में, जो कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार देती थी। रोजगार का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अगर एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था तो मुझे सैलरी मिलती थी। मुझे सैलरी मिलती थी, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ लड़के रखे गए, वहां से रिटेलर बनाए गए, रिटेलरों को रोजगार मिला, और वहां पे जो लड़के काम करते थे, बच्चे काम करते थे, उससे रोजगार उत्पन्न हो रहा है। माना जी, आपको आप आज से 6-7 साल पहले का सिनेरियो और अब का सिनेरियो देख लीजिए। एक एयरसेल टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, कहाँ है कुछ पता है आपको? यूनिनॉर एक कंपनी हुआ करती थी टेलीकॉम की, जिसको जो बाद में टेलीनॉर हो गई, वो कहाँ है आपको कुछ पता है? मुझे तो नहीं पता कहाँ चली गई। टाटा टेली सर्विसेस इतनी बड़ी कंपनी थी, टाटा इंडिकॉम जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ गई? अनिल धीरूभाई अंबानी की रिलायंस की ये कंपनी थी, वो कहाँ गई? और तमाम विदेशी कंपनीज आई, एतिसलात आई, और तमाम तरह की जो कंपनीज आई, आईडिया और वोडाफोन का मर्जर हो गया, और आज हमको लगता है कि अगर कोई किसी को सिम लेना होता है तो वो कहता है भैया रिलायंस का सिम ले लो। आज जैसे साबुन मतलब सर्फ नहीं होता था, अब ये हो गया है कि मोबाइल का सिम कार्ड मतलब रिलायंस। ये सोची समझी साजिश के तहत धीरे धीरे मानस जी इस इंडस्ट्री को किल किया गया है, और वो आप गूगल करिएगा या अपनी रिसर्च टीम से निकलवाइएगा, ये किल किया गया है इंटरकनेक्ट चार्जेस, आईयूसी चार्जेस को लेकर के। आईयूसी चार्जेस जब 20 पैसे हुआ करते थे, जब ये सारी कंपनी थी, रिलायंस मुकेश अंबानी जी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए वो 20 पैसे से गिरा करके कहां तक ले गए, मुझे इसके भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये सारी ये पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो भुक्तभोगी है गवर्नमेंट की उन तमाम पॉलिसीज की जो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल, हेमंत जी शायद चले गए, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि नौजवानों को अपने हक के लिए निकलना चाहिए। लेकिन आज का नौजवान अगर अपने हक के लिए सड़क पर निकलता है मानस जी, तो उसके साथ ये होता है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी बहनों के ऊपर केसेस लगा करके, उनके ऊपर रॉयटिंग का मतलब दंगे का वो आरोप लगा करके उनको बुक कर दिया जाता है। अगर 119 डायल 112 कि अगर बच्चियां वहां पर अपनी अपनी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अगर कोई नौजवान किसी भी चीज के लिए अगर कहीं पर जाकर के स्ट्रगल करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार होर्डिंग लगा देती है, उसकी फोटो आ जाती है और बुलडोजर उसके घर पे पहुंच जाता है। तो मतलब आप देखिए कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स को यहां पर वायलेशन हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। मानस जी, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बात करके मैं और अपनी खत्म कर देता हूं मानस जी, के
खाली अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है इस देश की और उत्तर प्रदेश की, मानस जी मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्यों कह रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक डेटा है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ था मानस जी, इसको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा कि जो मजदूर आज की तारीख में मजदूरी कर रहा है वो अगर 22 दिन की मजदूरी करता है तो उसको 4,500 रुपए ऑन एन एवरेज मिलते हैं। उस 4,500 में वो बेचारा 5 लोगों का परिवार क्या पालेगा, क्या खाएगा, बच्चों को कैसे स्कूल भेजेगा, अपने माता पिता का कैसे इलाज कराएगा। मानस जी अगर आपके पास समय हो तो मैं कुछ और पॉइंट रख दूं। पराज भाई इस चर्चा को ही विराम देते हैं, फिर किसी और दिन आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप चलिए, आप सभी खास समय का बहुत शुक्रिया, अनु प्रसाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, फराज कदमी साहब आपका, मनु चक्रवाल जी और हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार आप सभी का बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आज उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती की, जिसमें इसमें एज को लेकर के आयु सीमा को लेकर के विवाद गहरा रहा है। दरअसल 2018 के बाद से ये भर्तियां जिनको हर साल निकलना था वो निकली नहीं, 18 से 2023 खत्म होने आ रहा है, यानी अब 24 में जाकर के ये भर्तियां पूरी होंगी। इस बीच में हजारों की संख्या में ऐसे युवा थे जो 2018 में तो अंडर एज थे, लेकिन 2023 के लास्ट में आते आते जब भर्तियां निकली तो वो ओवर एज हो गए और उनकी सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई, यानी अब वो इस प्रतियोगिता में, इस एग्जामिनेशन में भाग नहीं ले पाएंगे, या यूं कहे कि पुलिस में भर्ती होने से वो चूक गए और उस चूक की वजह दरअसल सिस्टम में फैली हुई खामी है। चलिए आज इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।